नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में गुरुवार को महागठबंधन के नेताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान महागठबंधन में शामिल जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दल समेत सभी सातों पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं पंचायत के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बीते 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित हुई महागठबंधन की महारैली की सफलता को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में सांसद की मौजूदगी में सभी सात दलों के नेताओं ने रैली की सफलता का श्रेय प्रखंड और पंचायत के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही इसके लिए सभी प्रखंड एवं पंचायत अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को सम्मानित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सांसद अजय मंडल ने कहा कि महागठबंधन की महारैली सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई, जो गठबंधन के सभी दलों की एकजुटता को दर्शाता है और आने वाले दिनों में इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं अलग अलग दल के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ कई नेताओं ने महागठबंधन के हित में अपने सुझाव भी दिए हैं। तो सातों जिलाध्यक्ष महोदय ने ये निर्णय लिए कि हम लोग सातों पार्टी के जितने पदाधिकारी गण हैं, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, उन लोगों को, सारे अधिकारी गण को बुला करके, क्योंकि उन्होंने पूर्णिया के महारैली में बहुत बड़ा योगदान देकर अधिकारियों में रैली को सफल बनाया, उन्हीं का सम्मान किया जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहबाद गांव में घर के सेंटरिंग का काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत 11,000 वोल्ट बिजली के तार से करंट लग जाने से हो गई। मृतक की पहचान शाहबाद वार्ड संख्या 24 निवासी नागेश्वर मंडल के 40 वर्षीय पुत्र अजय मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक अजय के भाई ने बताया कि सुबह 7 बजे मृतक सेंटरिंग का काम करने के लिए घर से शाहबाद के लिए निकला हुआ था। साथ ही बताया कि काम कर रहे घर की छत के पास से 11,000 का तार गुजरा है, जिसमें अचानक सर जाने की वजह से वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। वहीं नीचे गिरते ही ग्रामीणों की मदद से उसे आनन फानन में अजय को एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन शुरू कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। ये सेंटरिंग का काम हो रहा था, एक जगह। किस जगह हो रहा था? शाहबाद में। तो 11,000 का तार ऊपर में था और उसी तार में जो है सट गया। हाँ, और सटने से ही इनकी मृत्यु हुई है। किस जगह हुआ था और कहाँ घर था इसका? घर इनका जो है शाहबाद, वो भी क्षेत्र शाहबादी भी है, ये नगर परिषद का क्षेत्र जहाँ उनका घर है जी। करंट कहाँ लगा था? घटना पंचायत में हुआ था, नवादा पंचायत में, शाहबाद गाँव है, वहीं घटी थी। और तार हटाने के लिए मैंने विधायक जी से भी बात की थी, SDO साहब से बात हुई थी कि जो है घर है नीचे, इसलिए तार वहाँ से हटाया जाए। विभाग को मैंने लिख करके भी दिया है इसकी। भागलपुर सुल्तानगंज के अजकैवीनाथ धाम में फागुन महोत्सव को लेकर मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ढोल नगाड़े और बाजे गाजे के साथ निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जो भागलपुर प्राचीन खाटू श्याम मंदिर के लिए पैदल यात्रा करते हुए रवाना हुई। इसको लेकर सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रियरंजन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। वहीं निशान शोभा यात्रा को लेकर पवन किसान ने बताया कि विश्व शांति एवं विश्व कल्याण को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशान शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भजन की धुन पर नाचते झूमते हुए श्याम भक्त प्राचीन खाटू श्याम मंदिर भागलपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य अमर रामुका, सुनील रामुका, रोशन कुमार रोशन, विकास कुमार सहित काफी संख्या में मंच से जुड़े सदस्य और श्याम भक्त मौजूद रहे। श्याम मंदिर भागलपुर जाएंगे और हमारी श्याम यात्रा का बस एक ही थीम है, विश्व का कल्याण। और हम चाहते हैं कि हमारा राज्य और देश दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे, भाईचारा रहे, सौहार्द रहे। और सभी श्रद्धालु एक ही इच्छा करते हैं कि हमारा देश दुनिया में श्री श्याम
श्याम भक्त मंडल की ओर से फाल्गुनोत्सव को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को भागलपुर मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री श्याम भक्त मंडल के प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल की मौजूदगी में संयोजक नीलेश कोटरीवाल ने बताया कि दो दिवसीय फाल्गुनोत्सव 2023 कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को गौशाला परिसर से विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से नगर भ्रमण करते हुए मंदरोजा खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी, जबकि 4 मार्च को फाल्गुनोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि दिन के 12:30 बजे तक भागलपुर के श्याम भक्तों का निशान खाटू बाबा के दरबार में चढ़ाया जाएगा, जबकि 4 बजे नवगछी और 5 बजे के बाद गोड्डा से आए श्याम भक्तों का निशान चढ़ाया जाएगा। वहीं नीलेश कोटरीवाल ने बताया कि फाल्गुनोत्सव को लेकर खाटू बाबा के दरबार में 56 भोग लगाया जाएगा, जिसके बाद सवामणि भंडारा होगा। इसके अलावा भागलपुर समेत कोलकाता से पहुंचे कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका और भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं इस दौरान ज्योत कीर्तन का भी आयोजन होगा, जो कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित झुंझुनवाला, कपिल जैन, सुरेश मोहता समेत कई श्याम भक्त मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले 3 मार्च फाल्गुनोत्सव 11 के दिन गौशाला से एक निशान शोभा यात्रा निकलती है, 8:30 बजे निकलेगी। नगर भ्रमण करते हुए 11:30 से लेकर 12 तक भागलपुर के निशान चढ़ जाएंगे। उसके बाद 4 बजे नवगछिया वालों का निशान आएगा, वो चढ़ेगा। उसके बाद 5:30-6 बजे करीब गोड्डा वालों का निशान आएगा, वो चढ़ेगा। तत्पश्चात 8 बजे से 24 घंटे की ज्योत श्याम प्रभु की स्टार्ट होगी, वो 8 बजे से लेकर अगले दिन रात्रि 8 बजे तक चलेगी। नेक्स्ट डे 12 के दिन प्रातः ज्योत तो चालू रहेगी, भक्तगण अपना अपना 125 भोग का प्रसाद और 56 भोग का प्रसाद लगाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी बीच 12 बजे से महिला भक्तों द्वारा एक 56 भोग का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होगा श्याम परिवार के महिलाओं द्वारा, और वो प्रसाद वितरण होगा महिलाओं द्वारा। सुंदरवती महिला महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की ओर से कॉलेज के नए प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के सम्मान में गुरुवार को समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया, जबकि अपने संबोधन में संघ के सचिव कानन राजू ने कहा कि नए प्राचार्य मुकेश कुमार सिंह महाविद्यालय को उच्चतम शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, इसमें सभी कर्मचारी एवं शिक्षक उनका सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि कॉलेज के चौमुखी विकास के लिए प्रधानाचार्य से आग्रह किया गया है, जबकि डॉक्टर आशा ओक्षा तिवारी ने महाविद्यालय को नैक से ए ग्रेड लाने की कामना की। समारोह में प्राचार्य को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर संघ और शिक्षकों की ओर से सम्मानित किया गया। इधर प्रधानाचार्य मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि वो SM कॉलेज में पठन पाठन की व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, इसमें उन्हें सभी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। संचालन दीपक कुमार वर्मा ने किया। मौके पर संघ की अध्यक्षता कुमारी प्रियंका, संरक्षक फुलेश्वर शाह, महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे। भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अमित कुमार के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली एवं शबे बरात को लेकर चर्चा करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान DJ बजवाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहने एवं शराब पीने वाले के साथ शराब बेचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात थाना अध्यक्ष ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी प्रकार की गतिविधि की सूचना ग्रामीण तुरंत पुलिस को दे, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही सभी ग्रामीणों से होली एवं शबे बरात शांतिपूर्ण रूप से मनाने की बात कही। मौके पर पुरानी दक्षिणी पंचायत के मुखिया शहबाज आलम, चांदपुर पंचायत के मुखिया पति शत्रुघ्न कुमार, भारतीय भूषण जा शंकर पासवान, चांदपुर के उप मुखिया राजकुमार शाह समेत कई लोग उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।